महाज्ञानपीठ पुरस्कार शारदा माँ के चरणों में समर्पित करने के लिए आया था यहाँ। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 2024 में भाजपा चुनाव लड़ रही है, क्या भविष्यवाणी है भाजपा को लेकर आपकी? जीतेगी बात। कितने सीटें मिल सकती हैं? 543 हैं तो सीटें कितनी मिलेंगी, क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस पर बीजेपी को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? मित्र मंदाकिनी नदी की गोद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर बसा शहर चित्रकूट, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास का सर्वाधिक समय बिताया, यह पवित्र धाम अब जगत गुरु शंकराचार्य राम भद्राचार्य के आश्रम के रूप में भी जाना जाता है। जन्म से बिना आंखों के संसार को देखने, समझने और 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले इस संत में कुछ तो दिव्य शक्ति है कि ये जो धर्म के लिए कहते हैं वही करते हैं। ये कहते हैं कि चित्रकूट को चंडीगढ़ की तरह केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। युवाओं को सफलता के लिए टिप्स देते हुए कहते हैं कि कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं, विनम्र होकर भगवान की शरण में जाएं, सभी सद्गुण आ जाएं। अभी हाल ही में शंकराचार्य राम भद्राचार्य ने एक निजी मीडिया संस्थान के कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि भगवान राम ने वनवास काल में 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए, आप वहीं रहते हैं, क्या इस ऐतिहासिक धर्मस्थली के कायाकल्प की जरूरत नहीं महसूस होती? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं लगातार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ केंद्र सरकार के संपर्क में हूं। मैंने खुद एक प्रस्ताव बनाकर दिया है, जिसमें एक विकल्प सुझाया है कि चित्रकूट को अलग से चंडीगढ़ की तरह केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विकास किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कुछ बेहद ही दिलचस्प दावे भी किए। उन्होंने कहा कि मथुरा में मंदिर से जुड़े साक्ष्य मेरे पास मौजूद, जिसे लेकर आपको पता ही होगा कि किस तर्ज पर बवाल जारी है। मसला शाही ईदगाह से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तो ये तक दम भर दिया कि मैंने अपनी आंखों से रामलला के दर्शन किए। मेरी भविष्यवाणी है कि चुनावों में मोदी की 370 सीट आने वाली है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भला ही जगत गुरु ने रामलला के दर्शन किए, उनको अपार ज्ञान, लेकिन इस सब से राजनीति क्यों प्रभावित हो रही है? विकास के मुद्दे से परे पॉलिटिक्स का फोकस सिर्फ धर्म ही क्यों बनता जा रहा है? और तो और, इस पूरे खेल में क्या जगतगुरु बीजेपी के लिए केवल प्लेइंग फील्डिंग सेट कर रहे हैं? हमारा नजरिया कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी पंडित के पास जाएं और बिना दक्षिणा दिए वापस आ जाएं। सोचे क्या कभी भी ऐसा होना संभव है? संतों और धर्म की राजनीति बीजेपी की शुरुआत से ही धुरी रही। बीजेपी का मेन एजेंडा राम मंदिर रहा है। अब जब मंदिर बन गया है तो बीजेपी नेताओं की तरफ से हुंकार भी भरी जाती कि काशी और मथुरा भी लेकर रहें। इस सब से चुनावों में बहुत ही अलग असर देखने को मिल रहा है। मुद्दों से सटकर राजनीति अब धर्म जैसे मुद्दों पर शिफ्ट हो चुकी है, मगर देखा जाए तो लमसम नुकसान ही, क्योंकि धर्म के मामलों में फंसे हुए नेताओं की नजर से छिप जाते हैं। कोटा में युवाओं के मास सुसाइड के आंकड़े छिप जाते हैं, पेपर लीक के अनेकों प्रकरण छिप जाते हैं, माताओं और बहनों के साथ हुई बदसलूकी के मामले तक छिप जाते हैं, और सिर्फ जो नजर आता है वह है धर्म और सियासत की नजर से धर्म का हरा भरा। ऐसे में लगता है कि इन सब विषयों पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, मगर सियासी चश्मे में उन आंकड़ों पर भी गौर फरमाने की जरूरत है, जिसके बूते विकास की एक नई गाथा लिखी जा सके। और सच कहें तो इन सब पर सोचना तो जनता को ही है। अब मेरे जहन में कुछ सवाल चल रहे हैं कि क्या राजनीति का दूसरा नाम धर्म नीति होता जा रहा है, और सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर है, और धर्म के नाम पर वोट से आप कितने सहमत हैं? गुरुदेव की बातों से लग रहा है कि सरकार की नीति धर्म की तरफ है, और ये भी कि राजनीति में गुरुओं का रोल क्या महत्वपूर्ण है। अब इन सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, तो जल्द से जल्द आप अपनी राय, अपने जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। नमस्कार।